तो हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज हम लोगों ने एक नई गाड़ी ली है जिसका नाम है BMW M5। हम आज उस गाड़ी में घूमेंगे और अपनी जो वाइफ है अमेंडा डार्लिंग, तो उसके साथ एक डेट पे जाएंगे। और गाड़ी में फिलहाल हमें थोड़े से काम कराने हैं, तो उसको लेके कस्टमाइजेशन शॉप पे जाएंगे। तो जैसे तुम लोग देख पा रहे हो, ये हमारे एक बेटे का कमरा है। तो ये साला बड़ा हरामी है, और ये देखो प्ले बॉय मैगजीन्स रखता है यहाँ पे, और बाप से शर्म ही नहीं आती उसको। तो फिर हम चलते हैं। हम पहले तो तुम लोगों को अपनी गाड़ी दिखा देते हैं। ये तुम लोगों को नहीं मालूम था भाई, अपनी एक फिल्म लगी थी, ठीक है। तो तुम लोगों को पहले अपनी BMW दिखा देते हैं, जो कल रात को ही इम्पोर्ट हुई है। तो ये रही अपनी गाड़ी, ठीक है। पहले बाहर ले चलते हैं, फिर दिखाते हैं तुम्हें। ठीक है, एक बार क्या सेक्सी गाड़ी लग रही है ना, ये देखो। अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करवाएंगे, इसको जेड ब्लैक करवा देंगे बिल्कुल, और इंजन वगैरह में थोड़ा सा काम करवाना है इस गाड़ी में। और ये देख रहे हो, हाँ क्या सेक्सी गाड़ी दिख रही है ना। तो अभी एक बार एक काम करते हैं, अभी इस गाड़ी को ले चलते हैं कस्टमाइजेशन शॉप पे। तो इस गाड़ी में पहले थोड़े से काम करवाने हैं, इंजन वगैरह, सस्पेंशन का, टर्बो, और ताकि धचके ना लगे। बस धचके तो वैसे भी ना लगे भाई, इतनी महंगी जो गाड़ी है। ये देखो, तो नई गाड़ी ली है तो भाई रूल्स तो फॉलो करना नहीं है अपने को। तो अरे वो मकसूद चाचा की दुकान के साइड है कस्टमाइजेशन शॉप, ये रही हो। तो ये अपने मकसूद चाचा की शॉप है, तुम्हें दिखाते हैं, पहले चलते हैं। तो भाई ये अपने मकसूद चाचा की शॉप है, तो अगर तुम लोगों को अपनी गाड़ी अपग्रेड करानी हो तो यहीं से करा लेना। तो हमने इसको पिछली बार शाउट आउट दिया था, तो इसके ऊपर इतनी भीड़ लग गई थी कि हमने स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया। तो इसको गाड़ी को हम लोग एक बार अपग्रेड करा लेते हैं, सब कुछ फुल करा देते हैं। बम्पर नहीं, बम्पर नहीं रखता है, अदरवाइज फिर टिकेगा। ये इंटीरियर में ये बताओ कौन सा रखा जाए। अरे बहुत सारे हैं तो हम कोई शरीफ सा रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, हम बहुत बड़े गेंदबाज हैं, ठीक है। लाइट्स में हेड लाइट्स, नियोन लाइट, प्लेट महंगी वाली $150 वाली, और गाड़ी तो जेड ब्लैक ही चाहिए। मीनवाइल तो भाई हमने गाड़ी बिल्कुल जेड ब्लैक करा दी है, और गाड़ी में हमने इंजन का काम करवाया, ट्रिपो का, ट्रांसमिशन का, सस्पेंशन का। ओ क्योंकि भाई अब शादी हो चुकी है, सस्पेंशन तो चाहिए। तो गाड़ी के टायर पर देख लो, BM क्या मस्त लग रहा है ना। तो अभी गाड़ी को एक बार धुला और लेते हैं, गाड़ी को ठीक तो करा दिया। धुलवाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कार वॉश दो ही है सिटी में, तो इस वाले पे चलते हैं। ये थोड़ा सा नज़दीक सा लग रहा है, पर हम जल्दी से जाएंगे, गाड़ी को वॉश कराएंगे। बस लग ना जाए किसी से कहीं से। बस भिड़ देना चाहिए भाई, नई गाड़ी है। तो ये है कार वॉश, कौन सी साइड से जानी पड़ेगी, इस साइड से हो जाएगी, हटी भाई, नहीं नहीं उस साइड से ले जानी पड़ेगी। चलो तो कार को वॉश करा देते हैं।
वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो तो गाड़ी को धुलवा दिया है, अभी हमें भी धुलना है, तो हमें नए कपड़े लेने हैं डेट पे जाने से पहले। नए कपड़े मिलेंगे यहाँ, जारा का शोरूम था यहाँ, ये जारा का शोरूम मार्क कर दिया अपन ने। बैड एस वाली फील आ रही है, दो चार गाड़ियां और ना आगे पीछे से चलने वाली। अरे कहाँ गया शोरूम, ये रहा शोरूम, यही लगा देते भारी। और हथियार क्यों ले रखा चाचा, हमको अरे स्पोर्ट्स ना चाहिए, हमें चाहिए जेन्युइन कोट पैंट सूट चाहिए अरमानी का। वैसे तो बाल बाल भी कटवाए रखा है, ठीक है हिसाब में लिख लियो, हिसाब में क्या लिख लियो, काट तो लिया था तो। अरे मैं तुम लोगों को गाड़ी अंदर से दिखाना तो भूल ही गया, ये देखो वाइट कलर में लिया, पर ये मैली हो जाती है वाइट वाली का। और ये देखो ये डमरू लगवा लिया कपड़ा अलग से, रेव भी अच्छी होती है गाड़ी वैसे। चलो अभी फ़ोन है अवेंटा डार्ली को फ़ोन कर लिया टाइम। देखा सबसे पहला नाम उसी का आता है। Amanda, it's me. Hey man, I'm kind of bored. You want to do something together? Sure. Come pick me up. Well, if for any reason you can't make it, let me know, okay? Great. I'll be there soon. तो उसने कह दिया मिल लो, ढूंढने पड़ेगी काम घूम रही है। ओके और ये मार्क भी कर लिए, वो थोड़ा सा भाग गया था। ओ बच गई भाई, अब स्क्रैच पड़ जाता। कहाँ है, हेलो, ओ हेलो अमांडा बेबी डॉल। क्या नया सूट लेकर आओ अरमानी का तुम्हारे लिए, अपने लिए मतलब। तो चलते हैं पहले तो ड्रिंक पे, तो सबसे पहले चलते हैं बार, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। No, not at all. I just really wanted to make a go of things, you know, as best we can. Me too. So, no more affairs for either of us, please? You started it. I know. I treated you badly. I see that. I'm just... Say it. I'm really sorry. I'm sorry. चलो बाहर आ गया, कहाँ है बाहर? You deserve better than me. Well, that's certainly true. ओ एंजॉय हो गया भाई, ये तो नशे में है दोनों, मैंने नशे में अरे वो तो ठीक है, ये नशे में गाड़ी चलवाओगी भाई। भाई ये गाड़ी ठुकवाओगी गारंटेड, नई गाड़ी पर स्क्रैच डलवाओगी। अरे 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 आराम से, बड़ा आ गया था अभी। पुलिस क्यों पीछे पड़ रही भाई, जूम बराबर हो गया इनका तो। वाह बहन एक कर दी इसने,
हमने लगा था एकदम सेक्सी डेट रहेगी, नहीं गाड़ी में मजा आया, दिया ना बात ना। चलो अभी एक काम करना है अपने को, अपने को भाई ये पुलिस चमक जाती है उस साइड जाते ही ऑफिस, अरे उनका ऑफिस है पुलिस का उस साइड भाई, झूम बराबर झूम हो जाएगा मेरा। तो गैराज के लिए तो शायद गैराज खरीदना पड़ेगा, अपने पास गैराज है नहीं। तो एक बार ये पुलिस हट जाए तो फिर मैं गैराज चेकआउट कर लूँ और फिर एक गैराज परचेज करके गाड़ी को, ओके ओके पुलिस हट चुकी है, अब ये काम करते हैं गैराज। फिर मोबाइल में इंटरनेट तो है, 4G ना आ रहा, बस 3G में चल जाएगा। मीनवाइल तो अभी ये गैराज है जो कि अपने को परचेज करना है, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को रख सकते हैं क्योंकि अब इस गाड़ी पे ना पुलिस के पास ही नंबर जा चुका है, तो पुलिस इस गाड़ी को ढूंढ रही होगी। सो हम लोग इस परचेज करते हैं इस प्रॉपर्टी को $30,000 में। सो ये प्रॉपर्टी हमें आगे भी काम आएगी, आगे अपनी जो भी नई गाड़ियाँ खरीदेंगे वगैरह, या फिर दो नंबर की जितनी भी गाड़ियाँ रहेंगी अपनी, मतलब कि जिसको पुलिस के पास जिनकी डिटेल्स रहेगी, बट इस नंबर की नंबर प्लेट चेंज करा देंगे इस गाड़ी की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए इस गाड़ी को स्टोर में रख दें, मतलब कि यहाँ इस गैराज में स्टोर कर देते हैं। सो चलते हैं अंदर। तो गाड़ी जो है वो अपन ने यहाँ पे पार्क कर दी है एकदम मस्त। तो जब व्लॉग कैमरा तो भूल ही गए, तो गाड़ी जो है हमने यहाँ पे पार्क कर दी और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।